नमस्कार, मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम बीकॉम पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम में बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत यूनिट संख्या सेकंड में डिमांड एनालिसिस के चैप्टर में मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्व की क्लास में हमने मांग एनालिसिस के बारे में चर्चा की, मांग का नियम क्या है, मांग के नियम के अपवाद कौन कौन से हैं, उनके बारे में हमने संक्षेप में चर्चा की। इसी क्रम में हम आज पढ़ेंगे मांग के नियम को प्रभावित करने वाले या मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। जैसा कि मैंने आपको मांग के नियम में बताया, अगर किसी वस्तु का मूल्य कम होता है तो उसकी क्वांटिटी अधिक मांगी जाएगी, तो वो मांग का क्या हो गया, विस्तार हो गया। अगर किसी वस्तु का मूल्य अधिक होता है तो उसकी क्वांटिटी हम कम मांगेंगे तो वो मांग का क्या हो गया, संकुचन हो गया। ये वृद्धि और कमी है। तो इसी क्रम में हम मांग के नियम को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो मांग के नियम को प्रभावित करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक वस्तु की मांग उसके अनेक तत्वों पर प्रभावित करती है, जैसे वस्तु का मूल्य, पूरक वस्तुएं और भी विभिन्न प्रकार की क्रेता की आय और वस्तु का स्वयं का स्वभाव, टिकाऊपूर्ण वस्तुएं, मशीन, रेफ्रिजरेटर और गैर टिकाऊ वस्तुएं, खाद्यान्न व साबुन आदि की मांग की तुलना करके अलग प्रकार के तत्वों को प्रभावित करती हैं जो सामान्यतः मांग को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से मांग के नियम को विभिन्न या मांग को विभिन्न प्रकार के ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे तत्व हैं जो वाकई में मांग को प्रभावित करते हैं, जिसमें प्रथम है उपभोक्ताओं की संख्या। ये टॉपिक आपके लिए बहुत उपयोगी है, इनसे संबंधित भी प्रश्न एग्जाम में कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि मांग के नियम को प्रभावित करने वाले फैक्टर या इफेक्टिंग फैक्टर इन या डिटरमिनेशन ऑफ डिमांड एंड फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग इन डिमांड। तो इस प्रकार मांग के नियम को प्रभावित करने वाले तत्वों में प्रथम मैंने आपको बताया उपभोक्ताओं की संख्या। उपभोक्ताओं की संख्या किस प्रकार से मांग को प्रभावित करती है कि वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है बाजार में उस वस्तुओं को मांगने वाले क्रेताओं या उपभोक्ताओं की संख्या है। वस्तुओं के क्रेताओं की संख्या अधिक होगी तो वस्तु की मांग भी क्या होगी, अधिक होगी। तो वस्तु के क्रेताओं की संख्या कम होने पर वस्तु की मांग भी क्या होती है, कम होती है। यह तो अपना पहला बिंदु। दूसरा आय स्तर, इनकम लेवल भी मांग के या मांग को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। कैसे, वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय पर निर्भर करती है। वस्तु की कीमतें स्थिर रहने पर उपभोक्ता की आय भी बढ़ने पर सामान्यतः वस्तु की मांग भी क्या होती है, बढ़ती है। परंतु निष्कर्ष या गिफन वस्तुओं की मांग क्या होती है, घट जाती है। उपभोक्ताओं की आय बढ़ने पर निष्कर्ष वस्तुओं के स्थान पर अच्छी वस्तुएं क्रय करना प्रारंभ कर देता है, तो उपभोक्ता की आय घटने पर वस्तुओं की मांग भी क्या होती है, घटती है। परंतु निष्कर्ष वस्तुओं की मांग बढ़ जाती हैं, तो इस प्रकार आय स्तर भी महत्वपूर्ण भूमिका है। एक स्थानापन एवं पूरक वस्तुओं की उपलब्धि और उनके मूल्य, स्थानापन व पूरक वस्तुओं की उपलब्धि एवं मूल्य, एवं उसके मूल्य। कैसे, पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं, पूरक वस्तुएं वे वस्तु होती हैं जो एक साथ काम में ली जाती हैं, जैसे शाही पेन पूरक वस्तु में आती है, कार पेंट्रोल पूरक वस्तु में आती है। स्थानापन वस्तुएं वह वस्तु होती है जो एक को छोड़ के दूसरी वस्तुओं को प्रयोग में आप ले सकते हैं, जैसे चाय के स्थान पर कॉफ़ी, ये क्या है, स्थानापन वस्तु है। तो स्थापन वस्तु और पूरक वस्तुओं का भी उपलब्धि के उनके मूल्यों पर एक अच्छा संबंध है। जब किसी वस्तु के स्थानापन उपलब्ध होते हैं तब वस्तुओं की मांग क्या होती है, कम होती है। इसी तरह स्थानापन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने पर मांग क्या होती है, बढ़ती है।
और मांग मूल्य घटने पर मांग घटती है। उदाहरण के लिए चाय व कॉफ़ी दोनों उपलब्ध होने पर चाय की मांग क्या होती है? कम हो जाती है। कॉफ़ी के मूल्य कम होने पर चाय की मांग क्या हो जाती है? घटती है। मूल्य बढ़ने पर बढ़ती है। पूरक वस्तुओं की उपलब्धि में मांग बढ़ती है और मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है। तो उदाहरण के लिए पेट्रोल सरलतापूर्ण मिलने से कारों की मांग क्या होती है? बढ़ी। अगर पेट्रोल का मूल्य अगर बढ़ता है तो कारों की मांग क्या होगी? घटेगी। ये भी व्यवहारिक जीवन में लागू होता है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। एक है समाज में धन का वितरण भी एक मांग के नियम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। समाज में धन का वितरण, समाज में धन का वितरण से क्या मतलब हुआ भाई? समाज में धन के वितरण से यह मतलब हुआ कि देश में धन का वितरण भी मांग को प्रभावित करता है। किस प्रकार? धन का अत्यधिक असमान वितरण होने से एक तरफ अत्यधिक धनी व्यक्ति की विलासिताओं की वस्तुओं की मांग अधिक मांग की जाती है और दूसरी तरफ समाज का बहुत बड़ा भाग केवल जीवन के अत्यधिक अनिवार्य वस्तुओं की मांग में करता है। सरकार वितरण की विषमता दूर करती है तो समाज की विलासिताओं की वस्तुओं की मांग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो अनिवार्यताएं और आरामदायक आवश्यकताओं की वस्तुओं की मांग क्या होती है? बढ़ती है। एक अगला है उपभोक्ता की रुचि पसंद व फैशन से भी प्रभावित करती है। उपभोक्ता की रुचि और फैशन, उपभोक्ता की रुचि आय फैशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो ये भी मांग के नियम को क्या करती है? प्रभावित करती है। क्योंकि उपभोक्ता जरूरी नहीं है कि रुचि आय फैशन वाले हैं भी खूब, वो अपनी मांग को क्या कर देते हैं? प्रभावित कर देते हैं। किस प्रकार? एक वस्तु की मांग उपभोक्ता की रुचि फैशन पर प्रभावित होती है। जो वस्तु की उपभोक्ता की रुचि फैशन अनुकूल होती है तो मांग अधिक होती है और बढ़ती जाती है। जो वस्तु फैशन से निकल जाती है उसका मूल्य कम होने पर भी वस्तु की मांग बढ़ती नहीं है बल्कि घट जाती है। इसी तरह जिन वस्तुओं के प्रति उपभोक्ताओं को अरुचि पैदा हो जाती है वे बाज़ार में कम मांग की जाती है। तो इस प्रकार भविष्य में मूल्य परिवर्तन की भी संभावना रहती है। ये भी एक मांग के नियम को करती है। भविष्य में मूल्य परिवर्तन की संभावना, भविष्य में मूल्य परिवर्तन की संभावना भी एक मांग के नियम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। उपभोक्ताओं किसी वस्तु के मूल्यों में भविष्य में किसी प्रकार के परिवर्तन की संभावना है इस तथ्य पर वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। यदि निकट भविष्य में वस्तुओं का मूल्य में वृद्धि की संभावना रहती है तो मांग बढ़ती है। तो भविष्य में मूल्य घटने की संभावना, वर्तमान में वस्तु की मांग कम हो जाती है। एक जलवायु मौसम, जलवायु मौसम से कैसे? मौसम जलवायु का इस प्रकार से है, जब बारिश होती है तो छाते की आवश्यकता होती है और जब गर्मी होती है तो कूलर फ्रीज ये काम में ज़्यादा लेते हैं और जब सर्दियाँ होती हैं तो अपने जो कपड़े गर्म कपड़े ऊनी कपड़े वो ज़्यादा कोट वगैरह। तो ये क्या है? ये मौसम जलवायु का प्रभाव है। तो ये मांग के नियम को प्रभावित करती हैं क्योंकि मौसमी अनुसार उपभोक्ता को मांग जरूर प्रभावित करती है। जैसा कि मेरे उदाहरण के रूप से आप देख लो, तीनों ऋतु के अनुसार अलग अलग चीज़ें काम में आती हैं तो इसलिए मांग के नियम को प्रभावित करती हैं। विभिन्न वस्तुओं की मांग भिन्न भिन्न मौसमों में की जाती है। उदाहरण के तौर पर हम बात करें गर्मी के मौसम में बिजली के पंखे बर्फ़ शरबत आदि की मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जाड़ों में सर्दियों में मांग कम हो जाती है। इसी प्रकार गर्म कपड़े चाय आदि की मांग सर्दियों में अधिक होती है और गर्मी में बहुत कम होती है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अगला है व्यापार की दशा, व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं तो इस प्रकार व्यापार की दशा भी मांग को प्रभावित करती हैं। किस प्रकार? जब देश में उद्योग व व्यापार तेजी से
अवस्था में होते हैं तो अधिकांश वस्तुओं की मांग बढ़ती है, और मंदी के समय अधिकांश वस्तुओं की मांग क्या होती थी, घट जाती हैं। तो तेजी के समय उपभोक्ता अधिक ऊंचे मूल्य वस्तुओं से बेचने के लिए बढ़ते हुए मूल्य पर अधिक क्रय करते हैं, जबकि मंदी के समय उसी मूल्यों में कमी करने से कम क्रय करते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। एक विज्ञापन है विक्रय संवर्धन, विज्ञापन विक्रय संवर्धन में मांग को प्रभावित करता है, क्योंकि आप टीवी में देखते हैं अधिकतर बहुत अच्छे आकर्षक विज्ञापन आते हैं, तो कस्टमर क्या करते हैं, उस वस्तु को क्रय करने के लिए लालायित हो जाते हैं, चाहे वो कैसी वस्तु ही हो। तो ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि उपभोक्ताओं जब प्रभावी विज्ञापन वस्तुओं की उपयोगिता की जानकारी हो जाती है तो वस्तु क्रय करने के लिए प्रेरित होते हैं, अतः प्रभावी विज्ञापन विक्रय संवर्धन को बढ़ावा देती है, उसकी मांग में वृद्धि करती हैं। तो विज्ञापन और विक्रय संवर्धन का एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक उपभोक्ताओं की साख की उपलब्धि, उपभोक्ता की साख की उपलब्धि महत्वपूर्ण। उपभोक्ता की अगर गुडविल है तो अनावश्यक कितनी वस्तु क्रय कर लेगा और भविष्य में पैसे चुका देगा, तो ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, उपभोक्ता की साख की उपलब्धि पर निर्भर करता है। दूसरा, सरकारी प्रतिबंध। सरकार के द्वारा विभिन्न चीजों पर अगर प्रतिबंध कर दें तो उपभोक्ता वस्तु को क्रय नहीं कर पाएगा, तो ये भी एक महत्वपूर्ण रूप से है। सरकारी प्रतिबंध, जब सरकार वस्तु की उपभोक्ता प्रतिबंध लगाती है उसकी मांग क्या हो जाती, घट जाती है, और प्रतिबंध हटाने पर मांग बढ़ जाती है। जैसे शराब पर सरकार कई बार प्रतिबंध लगाती है कि आपको ये कार्य नहीं करना है इस टाइम से इस टाइम की अवधि, तो उस टाइम उसकी मांग क्या हो जाती है, घट जाती है, खुलते ही बढ़ जाती है। तो ये भी समस्या है। एक वस्तु की किस्म में सुधार, जब वस्तु की किस्म में बहुत अच्छा सुधार होता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। तो वस्तु की किस्म में सुधार, वस्तु में किस्म में सुधार होने पर, क्वालिटी होने पर भी उसकी मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगली, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन और जनसंख्या में परिवर्तन, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन। 13वां पॉइंट, और जनसंख्या में परिवर्तन। मुद्रा की मात्रा जनसंख्या में परिवर्तन भी मांग को प्रभावित करती हैं। किस प्रकार, मुद्रा जब देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ने और वस्तु की मांग बढ़ती है तो मुद्रा की मात्रा कमी होने पर मांग घट जाती है। जनसंख्या में परिवर्तन, यदि किसी देश में जनसंख्या लगातार बढ़ती होती है तो सभी वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, परंतु जिस देश की जनसंख्या स्थिर हो वहाँ जनसंख्या की आयु के ढांचे में परिवर्तन के अनुसार वस्तुओं की मांग में भी परिवर्तन होते रहते हैं। तो इस प्रकार हमने आज इस वीडियो में चर्चा की कि वस्तुओं या मांग को प्रभावित करने वाले कैसे कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स तत्व हैं, और इसी क्रम में हम डिमांड एनालिसिस में अगले चैप्टर में हम मांग की लोच या मांग की मूल्य लोच के बारे में चर्चा करेंगे कि मांग की मूल्य लोच क्या है, मांग की मूल्य लोच की विभिन्न श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, और मांग की मूल्य लोच को मापने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, और मांग कि मूल्य लोच कितने प्रकार की होती है, और मांग की मूल्य लोच को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से वो चैप्टर बहुत ही उपयोगी है। उसमें एक प्रश्न आता ही आता है, कौन कौन सा है जो कि आपके एग्जाम में उसमें ऐसा प्रश्न है, जो कि एक पहला है, मांग की मूल्य लोच से आप क्या समझते हैं, मांग की मूल्य लोच की श्रेणियाँ और उसको मापने की विधियाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह प्रश्न आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो इस प्रकार मांग की मूल्य लोच के बारे में हम चर्चा करेंगे कि मांग के मूल्य में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ और मांगे की मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, उन प्रतिशत परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी श्रेणियों में पढ़ेंगे कि अगर मांग के मूल्य में इतना परिवर्तन हुआ तो मांगी जाने मात्रा में इतना परिवर्तन हो जाता है, कौन सा ऐसा संबंध है जिसमें पूर्ण सब चीज़ें उसमें पाँचों श्रेणियों के बारे में हम संक्षेप में चर्चा करेंगे, जो कि मांग के मूल्य लोच के बारे में हम संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मांग की लोच क्या है, मांग की लोच की श्रेणियां कौन कौन सी हैं, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक या मांग की लोच को मापने की विधियां
कौन कौन सी, वो अगले वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। उसकी तब के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच।